तो देखो बहुत सिंपल सा होता है, ऐसा कोई खास है नहीं, ध्यान से देखते जाओ बस। भाई मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे मैंने रखा है एक चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और एक्चुअली मैं जो पार्ट जो जिन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इस लाइन पर लाए कर रहे हैं। पर अब सीधी सी बात है, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं किधर आएगी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ आएगी, यहां पे लेफ्ट की तरफ आएगी। अब फील या तो लेफ्ट है या राइट है, तो उसको मैं वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि वो ये चाहते हैं भाई आप यहां पे तो ई लिखो और यहां पे लिखो एक्स। तो पहले ये समझो, ये ई और ये जब फील्ड हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्शन उसके हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल पे कैसे, वर्टिकल प्लेन पे कैसे लिखूं, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे कैसे लिखूं उसको। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम तो ये मान के चल रहे हैं इधर पॉजिटिव है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है तो मतलब वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मतलब मैं उसको ऊपर कहीं प्लॉट करूंगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ऊपर प्लॉट करूंगा और जितनी नेगेटिव होगी उतना नीचे प्लॉट करूंगा, मतलब जितनी स्ट्रांग, अगर डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है तो ऊपर, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है तो नीचे, और मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर, मैग्नीट्यूड कम है तो कम ऊपर, मतलब सेंटर से डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, लेट अस से इसके जस्ट राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट है या राइट है, इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, ठीक है। राइट मतलब ऊपर है नीचे, ऊपर। अच्छा फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर है बहुत छोटा तो ये मैग्नीट्यूड है बहुत बड़ा, तो इसका मतलब इसके जस्ट राइट में जो फील्ड है वो राइट है, राइट मतलब ऊपर है नीचे, ऊपर थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा या बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, तो इन्फिनिटी को टेन करा दूं। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे यहां पे जो फील्ड होगी वो अभी भी राइट ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड पहले से कम हो जाएगा क्योंकि आर थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, सॉरी आर बढ़ नहीं गया, हाँ सॉरी आर बढ़ गया तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया, सही बात है। तो यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो पहले से कमजोर हो गई पर है राइट ही, तो वो ग्राफ ऐसा आने लग गया, और दूर जाते गए, जाते जाते गए, जाते गए, जाते गए, बहुत दूर चले गए तो क्या होगा, चार्ज वापस बुलाएगा ना, अरे नहीं ज्यादा दूर चला गया, वापस आ, वापस आ, नहीं ये चार्ज तो धक्के ही मारेगा, जितनी दूर जाएगा उतने छोटे धक्के मारेगा, पर मारेगा धक्के ही, इनफैक्ट जीरो तो कभी होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ टेंड करेगा और यहां पे बनेगी एक एसिम्प्टोट, नाम सुना होगा तुमने, हाँ, तो और ये अपीयर्स टू मीट द एक्स एक्सिस बट नेवर मीट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये वही बात इधर की, अब इधर की बात करते हैं, जस्ट लेफ्ट में लेट भी लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट लेफ्ट मतलब ऊपर नीचे, नीचे थोड़ा नीचे, ज्यादा नीचे, बहुत ही ज्यादा नीचे, तो बहुत ही ज्यादा नीचे, तो यहां से शुरू हुए और फिर लेफ्ट जाते जा रहे तो फील्ड तो लेफ्ट पर ही है पर मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा क्या, समझ में आ गया क्या, इसी बात पे कौन लाभ है जी, हाँ लेफ्ट मतलब नीचे, अच्छा ये ऊपर क्यों था, वेरी गुड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है ना सर, अच्छा उसको पॉजिटिव मानते हैं, हाँ बेटर है ना, तो राइट राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं है ये, क्योंकि वो 1/r का प्रोपोर्शनल होता है तो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। भाई एक बात सुन लो ध्यान से, ऐसा अक्सर होता है, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तो बेसिकली ऐसा क्या है, अपन क्या बहुत सारे मतलब ग्राफ्स जानते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल हाइपरबोला, ई बोला, ऊ बोला, जाने काका बोला, तो देखो जरूरी नहीं है ई बोला, ऊ बोला, जाने काका बोला, मुद्दे की बात यह है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर ग्राफ दे रखा है तो हम मतलब उसका नाम देने की कोशिश मत करो, जरूरी नहीं है कि आपको उसका नाम पता ही होगा, ठीक है ना। मतलब मैं अगर अचानक ये लाइन खींच दूँ, कहूँगा अरे सर ये तो रेक्टेंगल हाइपरबोला है, नहीं है यार, इनफैक्ट जैसे ये है लॉग, अब लॉग का ग्राफ, मैं कर्व के नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है, ये क्या है, ये देखने में लग रहा है रेक्टेंगल हाइपरबोला है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/x के, जबकि यहाँ, हाँ ये 1/x का ग्राफ है, इनफैक्ट अगेन 1/x का ग्राफ नहीं है, ये 2/x का भी हो सकता था ये ग्राफ,
फाइव बाई एक्स का भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर जब हम बना रहे थे ये वन बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बना रहे हैं, तो उसका शेप ऐसा ही है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि ये पैराबोला सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। तो जितने भी ग्राफ बनते हैं हमें अब जान के चलो, मतलब भगवान के लिए ये कभी मत करना, ये एक बहुत कॉमन गलती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ग्राफ की शक्ल देख के हम उसका नाम गेस करने की कोशिश करते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ग्राफ की शक्ल देख के अच्छा अगर डेटा नहीं दे रखा हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल। डेटा दे रखा हो तब भी बहुत भारी काम है उसका, उसकी इक्वेशन निकालना या उसका नाम बताना, तो यू डोंट डू दैट। एनीवेज, अब हम आते हैं माइनस क्यू चार्ज पे। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है, ये ऐसा ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन? कैसे बनाओगे? इसके जस्ट राइट में फील्ड लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट लेफ्ट मतलब ऊपर ऊपर नीचे नीचे थोड़ा नीचे, ज्यादा नीचे, बहुत ही ज्यादा नीचे, बहुत ही ज्यादा नीचे। अच्छा यहाँ पे फील्ड लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट लेफ्ट मतलब ऊपर नीचे, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा या बहुत ज्यादा, थोड़ा, अरे यार डिस्टेंस आ गया ना। ठीक है, यहाँ बहुत दूर चलेगा अगर आप तो फील्ड लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, और ज्यादा या बहुत ज्यादा या बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अगर आर बहुत ज्यादा हो गया तो फील कम कम हो गई। अच्छा मतलब ग्राफ आ जाएगा इस तरीके का, यहाँ पे फील लेफ्ट राइट है, लेफ्ट है राइट है, ऊपर है, अरे फील तो लेफ्ट लेफ्ट राइट है, राइट को ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, ऊपर थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा, ग्राफ ऐसा बनाऊंगा बुरा तो नहीं मानोगे, पक्का है क्या? अच्छा तो इसी बात पे फिर एक और अगला क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो हेडिंग का नाम है ई एक्स ग्राफ्स और ये ग्राफ बनाते जाओ जैसे लिखे वैसे के वैसे, पॉजिटिव चार्ज बीच में लगा हुआ है और अगर प्लस क्यू यहाँ लिखा है तो ये ग्राफ बनेगा, माइनस क्यू लिखा है तो ये ग्राफ बनेगा, वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स है। अब अगर मान लो यहाँ पे है, क्या करें, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, अब अपने को फील्ड निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? तो हम ये कह सकते हैं देखो ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल, इसके जस्ट राइट ही फील्ड लेफ्ट होगी राइट होगी, क्योंकि यहाँ पे तीन जोन है, एक दो और तीन, इसके जस्ट राइट ही फील्ड लेफ्ट है राइट है, राइट है, राइट मतलब अच्छा थोड़ा या ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ऑलमोस्ट डी एक्स है, ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस फिर भी अच्छा खासा था, इसकी वजह से फील कमजोर उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से इस तरह मजे ही ले रखे थे उसके, ठीक है। अच्छा अब जैसे दूर गए, इसकी भी अभी भी इसकी वजह से राइट, इसकी वजह से भी राइट, राइट मतलब नेट राइट और ऊपर की तरफ आ जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड एटलीस्ट इसका तो कम हुआ, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड दोनों का ही कम हुआ, उससे भी डिस्टेंस बढ़ा है, इससे भी डिस्टेंस बढ़ा है, तो जो ग्राफ आएगा वो बेसिकली धीरे धीरे इस तरीके का आ जाएगा, ये बात समझ में आती है क्या? जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फील कमज़ोर होती जाएगी। अच्छा यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे फील लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेफ्ट मतलब ऊपर नीचे, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, क्लियर है क्या? अच्छा अब ये बीच में थोड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये कह रहा राइट राइट, वो कह रहा लेफ्ट लेफ्ट, बीच में रास्ते में, तो अब सवाल अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पे तो कह रहा दोनों सपोर्ट में थे, दोनों कह रहे थे वहाँ पे राइट राइट, इस जगह पे दोनों कह रहे थे लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन बीच में अब ये बात ये आ जाती है कि बड़ा कौन वो जीतेगा। अब बड़ा वो मतलब कौन सी किसकी वजह से फील्ड बड़ी, और बड़ी उसकी वजह से फील्ड जिसके ज़्यादा पास आप खड़े हो, तो अगर आप इसके बिल्कुल बगल में खड़े हो तो वो कह रहा है लेफ्ट लेफ्ट, ये कह रहा है राइट राइट, पर भाई साहब इसके बिल्कुल बगल में है तो नेट लेफ्ट है राइट, राइट ऊपर नीचे ऊपर, तो वो ग्राफ यहां से शुरू होएगा, अभी नहीं जानता मैं। अच्छा इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड, इसके जस्ट लेफ्ट में जो फील्ड है वो इसकी वजह से लेफ्ट, उसकी वजह से राइट, पर ये बहुत बड़ा है, इसकी वजह से फील्ड बहुत बड़ी है, तो वो लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट मतलब नीचे, नीचे मतलब ये, ठीक है, और सेंटर पे जीरो, सेंटर पे ये दोनों कट मारे आपस में, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? आई कि नहीं आई? आई, ठीक है। एक और सवाल, थोड़ा सा चेंज, जगह थोड़ी कम होते हुए कोई बात नहीं, ये एक ऐसा है, यहाँ है, और अब की बार यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, और आपसे एक बार फिर पूछा जा रहा है
कि ये बताइए कि ग्राफ क्या है। तो भैया देखो इसके जस्ट राइट में, राइट वाले के राइट में, हालांकि ये कह रहा राइट राइट, वो कह रहा है यहां पे लेफ्ट लेफ्ट, बट ये जो भाई ज्यादा पास है उससे चार्जर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जो ज्यादा पास होगा उसके उसकी फील ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो ये डोमिनेट करेगा और यहाँ पे फील आएगी राइट राइट, राइट मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ये, और ग्राफ आएगा ऐसा, क्योंकि हमेशा यही डोमिनेट करता रहेगा, हमें कोई भी पॉइंट ले लो उसका डिस्टेंस इससे कम है और उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका इसकी वजह से जो फील होगी वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और ये डोमिनेट करेगा, और ये तो कह रहा राइट, तो भैया राइट ही, और क्या, हाँ बहुत दूर चले गए, मोह माया से ही परे हो गए, तो फिर क्या जीरो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नहीं, परे हो गए तो जीरो, परे होगा मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फील लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट राइट राइट, अबे राइट, नेगेटिव नेगेटिव जैसे पास की तरफ होता ना, बहुत जल्दी में हो, हाँ वो कह रहा लेफ्ट लेफ्ट। एनीवेज अब देखो राइट, राइट मतलब ऊपर नीचे ऊपर, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये बात समझ में आती। अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों राजी, दोनों कह रहे लेफ्ट मतलब ऊपर नीचे, और यहाँ पे अब सवाल तो ये आता है कि बनेगा तो ऐसा, पर ये जब ऐसे बनेगा तो उसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है एक जस्ट टच करके चला जाए और एक ये यहीं पे लटक जाए। भाई देखो सीधी सी बात है, ये बीच में हर जगह पे इसकी वजह से फील लेफ्ट है, उसकी वजह से भी फील लेफ्ट ही है, और इसका मतलब अगर दोनों की वजह से फील एक ही डायरेक्शन में तो नेट फील तो जीरो कहीं हो ही नहीं सकती, और इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कैंसिल हो ही नहीं रही, और इसका मतलब जीरो तो कहीं नहीं हो सकती, तो एक्चुअली जो सही ग्राफ आएगा वो ये इस तरीके का कुछ आएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, यहां पे है प्लस टू क्यू और यहां पे है क्यू, सॉरी माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है। अब इसका ग्राफ तुम्हें बताना है, ये सारे तो मैंने बता दिए, वो तुम बताओ, कोशिश करो देखते हैं। हाँ भाई देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो पहले बात अपन यहाँ की बात कर लेते हैं इस वाले जोन की, तो प्लस टू क्यू से यहाँ पे कोई भी पॉइंट है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, अरे इधर ये प्लस टू क्यू बड़ा है, ये माइनस क्यू छोटा है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ऊपर से यहाँ पे किसी भी पॉइंट का इससे डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू डोमिनेट, तो जो ये बोलेगा वो होगा यहाँ पे, तो ये कह रहा है लेफ्ट, ठीक है भाई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर नीचे नीचे, अच्छा इसके जस्ट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा नीचे, और जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। इधर आ जाते बीच में, बीच में इसकी वजह से राइट और उसकी वजह से भी राइट, जस्ट इधर जोर से राइट, राइट मतलब ऊपर, इसके इधर भी जोर से राइट, राइट मतलब ऊपर, ठीक है। और वैसे अब ये जो ग्राफ, ये अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा, जो माला माला टंगेगी यहाँ पे, वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा वो छोटे वाले चार्ज की तरफ होती है, ठीक है, ये बात ध्यान ध्यान से जान लो। वैसे अगर आप चाहो तो एक्स डिस्टेंस निकाल के, रिलेटिव फील निकाल के, ग्राफ उसकी एक्सप्रेशन बना के उसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, या फिर एज अ हिंट आप ये बात ध्यान रखो कि वो जो मिनिमा या मैक्सिमा आता है, जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास की तरफ आता है, ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब रही बात यहाँ की, इसके जस्ट राइट में फील लेफ्ट है राइट है, अब यहाँ पे क्या है, ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, पर ये जो डिस्टेंस है ये तो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे ये डोमिनेट कर जाएगा, फील लेफ्ट राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट मतलब नीचे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि ये चार्ज बड़ा है पर डिस्टेंस ही बड़ा है, ये चार्ज छोटा है पर डिस्टेंस भी छोटा है, तो हो सकता है कि दोनों की फील का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, और एक्चुअली वो एग्जैक्टली एक ही जगह पर होता है, वो आप चाहो तो करके देख सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस मान लो, और अगर ये डिस्टेंस मान लो ए है, तो इस जगह पे जो फील होगी
इस जगह पर इस, इसकी वजह से जो फील होगी वो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी वजह से जो फील आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के इंटू टू क्यू बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, के क्यू से के क्यू बढ़ गया, रूट ले लो, तो ये क्या आ गया, ए प्लस एक्स की वैल्यू आ गई रूट टू एक्स, तो ए की वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन इंटू एक्स, या एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू क्या आ गई, एक्स वैल्यू आ गई ए अपॉन रूट टू माइनस वन आ जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट आ गया, उससे मुझे मतलब नहीं एग्जैक्टली पॉइंट क्या हो, तो मैं ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट आया तो मैं मजा आया, इसका मतलब इस जगह पे फील्ड क्या है, जीरो, तो मतलब मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे फील्ड यहाँ पे जीरो आ रही है। सॉल्व करके मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आपको भरोसा रहे कि हाँ नहीं, मतलब मैथमेटिकली भी एक पॉइंट सही में आ रहा है, लॉजिकली भी आ ही रहा है यार, एक डिस्टेंस ज़्यादा है और चार्ज भी मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, दूसरे से डिस्टेंस कम है मैग्नीट्यूड कम है, और डायरेक्शन उल्टे हैं, इसकी वजह से फील राइटवर्ड्स है और इसकी वजह से यहाँ पे फील लेफ्टवर्ड्स है, तो वो कैंसिल हो भी सकते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो हो भी जाएंगे, तो एक जगह पर फील जीरो भी आएगी, ठीक है, मान लो यहीं पास में आ गई। पर यहाँ पर दूसरी बात और है, जहाँ जब फील जीरो हो गई, इससे पहले तो यहाँ से ये इधर से शुरू हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप यहां से डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो 2q जो चार्ज है, इनफैक्ट अगर मैं वैसे सोचूं बहुत दूर चले जाएगा, बहुत दूर मतलब ये a से a के कंपैरिजन में बहुत दूर चले जाएं, तो बहुत दूर से तो ये नजर आएगा एक माइनस की और उसके जस्ट पीछे प्लस 2q रखा हुआ है, तो नेट जो इफेक्ट आएगा वो तो पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, यानी कि नेट जो फील होगी वो राइटवर्ड होगी, ऑल दो वो जीरो को टेंड कर रही होगी क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं। तो एक्चुअली इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये, यहां से ये ऊपर जाएगा कहीं मैक्सिमा आएगा और फिर उसके बाद ये एसिम्प्टोट बनेगी, समझ में आई वाली बात, ये इसका सही ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो मैं ये ग्राफ बनाता हूं, इनफैक्ट अब सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना, मुझे एग्जैक्टली वैल्यूज भी चाहिए, एक लेवल आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये एक्स है और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करनी है अब इन चार्जेस की वजह से, पहले चार्जेस एक्स एक्सिस पे ही रखे थे, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक्सिस पे रखे थे, अब एक ऊपर रखा है नीचे रखा है, अब इसी बात है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसकी वजह से ऊपर उसकी वजह से नीचे कैंसिल हो गया बराबर, अच्छा दूरी बराबर है, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस भी ये है, मुझे पता करना है पहले तो एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अगर एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, दोनों ये पॉजिटिव दोनों की वजह से दूर की तरफ, और रिजल्ट आ जाएगा राइट वर्ड। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ये वाली फील्ड भी हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि भाई एक वेक्टर ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, सॉरी ये फील्ड इधर है ये फील्ड इधर है, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे, तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए इसको के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू टू कर दूं तो काम चल जाएगा क्या, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आया निकल के वो आया के क्यू एक्स ट्वाइस ऑफ के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया अब मुझे क्या चाहिए, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे भैया, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते भैया, हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और इंफिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है लॉजिकली, वैसे तो वैसे सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है, इन्फिनिटी पे क्या होने वाली है, जीरो, यानी कि बीच में, और अच्छा बाकी वैसे बीच में हर जगह पॉजिटिव है नेट फील्ड,
तो इसका मतलब बीच में कहना कि मैक्सिमम होकर वापस जीरो हो गई होगी, ठीक है, जीरो है बीच में पॉजिटिव होगी वापस जीरो हो गई इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब जो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये बात समझ में आती है? अच्छा, यहाँ पे जो फील है वो लेफ्ट वर्ड आएगी, और अगर लेफ्ट वर्ड आएगी और जीरो थी इन्फिनिटी पे फिर जीरो हो गई, बीच में कहीं एक नेगेटिव मैक्सिमा आया या मिनिमा आया, मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम डायरेक्शन नेगेटिव, तो उसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये पोजीशन क्या है, ठीक है, तो वो करने के लिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है, फील्ड मैक्सिमम कहाँ है फील्ड मिनिमम कहाँ है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, डी ई बाय डी एक्स को कर दो जीरो, और जैसे ही आपने सॉल्व किया x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बाय रूट टू, ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, वैसे मुझे पता तुम करोगे नहीं, नालायक हो तुम, लेकिन कर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए बाय रूट टू आ जाएगी क्या? अरे मैक्सिमम मिनिमा क्या हो गया बेटा, हाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाय रूट टू, और इसका मतलब प्लस ए बाय रूट पे फील मैक्सिमम है और माइनस ए बाय रूट पे फील मिनिमम है, मिनिमम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका मैक्सिमम है पर जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। अच्छा, और ये वाली बात जानने के बाद अब देखो सीधी सी बात यहाँ पे एक और आती है, और वो ये है कि भाई यहाँ तो मैंने सिर्फ दो चार्जेस रखे थे, एक्चुअली ये जो बात है ना ये जनरली भी ट्रू है, यहाँ मैंने सिर्फ दो चार्जेस रखे उनकी वजह से फील देखी तो ए वाई रूट टू पे मैक्सिमम आ गई, अगर मान लो दो की जगह तीन चार्ज होते वो सिमेट्रिकली रखे हुए होते, मतलब ट्राइंगल सिमेट्रिकली रखे होते, मतलब तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक होता ट्राइंगल एक ऐसा ये और ये और उसके बिल्कुल बीच में से उसके सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्राइंगल होता और उसके सेंट्रॉइड से एक्सिस जा रहा होता, यहाँ भी होता प्लस क्यू, ये भी होता प्लस क्यू और ये भी होता प्लस क्यू, और एक लाइन जा रही है जो उस ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंट्रॉइड से पास हो रही है, तो उसने भी सेंटर में फील्ड क्या होती, इसकी वजह से जो फील्ड लेता है वो यहाँ पे तीनों की वजह से फील्ड सिमेट्रिकली अपोजिट, मतलब सिमेट्रिकली एक इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, नेट फील्ड क्या आ जाती, जीरो, इन्फिनिटी पे क्या होती, जीरो। यहाँ भी अगर मैं फील्ड का ग्राफ बनाता तो वो ऐसा ही आता, ठीक है, मतलब ये वाला प्लेन है, ठीक है, फिर से पूछा जाए अब वो मैक्सिमम कहाँ आएगा, वो फिर से ए बाय रूट टू पे आएगा, बट ए क्या है, ए इज नॉट साइड ऑफ द ट्राइंगल, मन में आ रहा शायद, ए इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर, तो वो अगर डिस्टेंस ए है तो यहां पर भी फील ए बाय रूट टू पे ही मैक्सिमम होती है, या ए बाय रूट टू पे ही मैग्नीट्यूड उसका पीछे माइनस ए बाय रूट टू पे भी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता दोनों तरफ, और ये चीज सिर्फ ट्राइंगल के लिए ही ट्रू नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट्स के लिए ट्रू नहीं है, एन नंबर ऑफ मतलब पॉलीगन्स हो, मतलब एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी ट्रू है, जहां पे एन इन्फिनिटी भी हो सकता है, मतलब सर्कल के लिए भी ट्रू है, हाँ पॉलीगन रेगुलर होना चाहिए, कंडीशन है इसकी, पहली बात पॉलीगन रेगुलर होना चाहिए, दूसरी बात हर वर्टेक्स पे चार्ज होना चाहिए, सारे चार्जेस आइडेंटिकल होने चाहिए विद मैग्नीट्यूड एंड साइन, ठीक है, और फिर अगर हम लोग फील्ड निकालते हैं किस पे, लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉलीगन पासिंग थ्रू द सेंटर, उस पर जो फील्ड है वो सेंटर पे तो जीरो होगी सही, इन्फिनिटी भी जीरो होगी, पर बीच में वो एग्जैक्टली ए बाय रूट टू डिस्टेंस पर मैक्सिमम होती है फील्ड, देयर ए इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन जो भी कुछ आ रहा है सब, ऑक्टागन नॉनागन डेकागन बहुत सारी गन, ठीक है, जो भी है पॉलीगन हो सकता है, ठीक है, बस ध्यान रखना ये डिस्टेंस होना चाहिए ए, साइड ए लेके मत बैठ जाना, कई लोगों को बहुत शौक होता है और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वो होते हैं दुष्ट, ये सारी बातें बताने के बाद वो कहते हैं स्क्वायर है जिसकी साइड ए दे रखी है, ठीक है, और फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, और फील्ड कहां पे होगी मैक्सिमम, स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड ए है,
ठीक है, अब बताओ इस एक्सिस पे फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी? एक ऑप्शन a बाय रूट टू, तो कई लोगों के दिल में आता है, अरे यू वाली बात तो सड़े बताई थी, मुझे याद है आज से a बाय रूट टू है, हो गया काम। वो a बाय रूट टू लिख के बता जाना अकल के दुश्मन, वो जो उस a बाय रूट टू में जो a होता है वो ये वाला a होता है, अगर उन्होंने ये a दे रखा है तो ये हो गया a रूट टू, और ये स्वयं साक्षात हो गया a बाय रूट टू, और इसका अपॉन रूट टू यानी कि a बाय टू, यानी कि फील्ड मैक्सिमम होगी a बाय टू डिस्टेंस। समझ में आ रही वाली बात? थोड़ी सी और गंदगी फैल सकती है, अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड ए दे दें तो काय का मजा आ जाएगा। तो बस अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको दे रखा है, साइड ए दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो दैट बाय रूट टू, अगर ये एक्स आ रहा है तो एक्स बाय रूट टू पे फील्ड मैक्सिमम होगी इस वाली लाइन पे। समझ में आ रही क्या बात? नहीं आई समझ में? आ गई, लिख लो फटाफट।